हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ कैम्ब्रिज कनेक्शन क्लास फोर की बुक का चैप्टर थ्री जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है टाइम लाइन्स। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि टाइम लाइन होता क्या है, किस तरह से जो है लोग टाइम को समझते हैं। How do you think early human kept track of time? How did they manage to time activities like planting of crops? Different methods were developed in human history to track time by using various type of clocks and calendars. The sun and the moon played a crucial role since time was tracked on the basis of their movement. क्या था कि पुराने लोग जो है किस तरह से, घड़ी होती नहीं थी तो किस तरह से टाइम को जो है ट्रैक करते थे, कैसे उनको पता चलता था कि इस टाइम में जो है हमें प्लांट को जो है क्रॉप्स को जो है प्लांट करना है, इस टाइम में कटाई करनी है, इस टाइम में जो है बीज डालनी है, तो ये किस तरह से होता था। तो पुराने टाइम के लोग जो है अलग अलग मेथड जो है यूज़ करते थे और अलग अलग टाइप की घड़ी और कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। और सन और मून जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था उनको टाइम को ट्रैक करने में। ठीक है, वो उसके मूवमेंट के हिसाब से टाइम को ट्रैक करते थे। अ कैलेंडर इज़ अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस दैट शोज डेज, वीक एंड मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। वी यूज कैलेंडर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स लाइक बर्थडेज, एनिवर्सरीज, हॉलीडेज एक्सेट्रा। तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक चार्ट होता है जिस पर बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं हमें, डेज दिखाते हैं, वीक्स दिखाते हैं और मंथ्स दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी साल का। और हम जो है कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें अपने इम्पॉर्टेंट डेट्स का। कोई इवेंट्स है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हॉलीडे है, ये सारा कुछ हमें किससे पता चलता है? कैलेंडर से पता चलता है। अब ये देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर। द कैलेंडर वी कॉमनली यूज इज कॉल्ड ग्रेगोरियन कैलेंडर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टाइल कैलेंडर। बिफोर दिस द जूलियन कैलेंडर प्रपोज बाई जूलियस सीजर वॉज यूज। द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज ओरिजिनली फ्रॉम यूरोप। द ईयर्स ऑन द कैलेंडर आर नंबर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम है, या फिर इसको न्यू स्टाइल कैलेंडर भी कहते हैं। ये जो है ये कहाँ पर बना है? यूरोप में बना था। ठीक है, और इससे पहले जो कैलेंडर यूज़ होता था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, जो कि किसने बनाया था? जूलियस सीजर जो है उसको यूज़ करता था। और जो कैलेंडर जो है हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ जग का जो टाइम था उसके बाद से ये कैलेंडर का, जो जैसे कि अभी 2021 है, तो मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2021 साल हो चुके हैं। ठीक है, सम कंट्रीज अडोप्टेड द न्यू स्टाइल कैलेंडर फ्रॉम 1582। कुछ कंट्री ने 1582 में ये कैलेंडर जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। सम डिड नॉट डू सो बिफोर द अर्ली 20th century। और किसी ने 19th century या 20th century में जाके जो है इसको अडोप्ट किया, मतलब कि इसको यूज़ करना शुरू किया। द कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और ये कैलेंडर किस पर बेस है? जो अर्थ का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं उसके ऊपर बेस है। इट इज़ अ सोलार कैलेंडर, जो सन के ऊपर, सन से रिलेट करता है, तो इसको सोलार कैलेंडर कहते हैं। देर आर 12 months और 365 days इन अ ईयर इन दिस कैलेंडर। अ लीप ईयर कम्स एवरी 4 years एंड हैज़ 366 days। और एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर जो कि 4 साल में एक बार आता है उसमें कितने दिन हो जाते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ये है साका कैलेंडर। द साका कैलेंडर इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। साका कैलेंडर को नेशनल कैलेंडर कहते हैं। इट वॉज अडोप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957। इट इज़ यूज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन ऑल देयर सर्क्यूलर्स, नोटिसेस एंड अनाउंसमेंट। तो साका कैलेंडर को मार्च 1957 में जो है नेशनल कैलेंडर माना गया।
और इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद ग्रेगोरियन कैलेंडर। और बाकी जो उनकी नोटिसेज और सर्कुलर सारा कुछ जो अनाउंसमेंट होता है वो किसके बेस पर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बेस पर होता है। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ईयर ज़ीरो, बट इन साका कैलेंडर द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ईयर 78 CE ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इट मीन्स दैट अ डेट इन द साका कैलेंडर इज 78 ईयर्स लेस दैन द डेट इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। साका कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर ज़ीरो ईयर से शुरू होता है, लेकिन साका कैलेंडर कब से शुरू हुआ, 78 ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद मतलब 78 ईयर्स के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होने के 78 ईयर्स के बाद जो है साका कैलेंडर जो है बना या शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साका कैलेंडर का जो डेट है तो वो यहाँ से हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईयर्स पीछे होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी 2021 चल रहा है, तो साका कैलेंडर में अभी 2021 नहीं आया होगा, उसमें कितना होगा, 2021 से आप 78 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है आपका, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2021 से अगर हम 78 ईयर्स को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, इसके बाद आता है जस्ट लाइक द ग्रेगोरियन कैलेंडर द साका कैलेंडर इज अ सोलार कैलेंडर। इट हैज़ 365 डेज इन अ ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के तरह ही साका कैलेंडर भी एक सोलार कैलेंडर है, इसमें भी 365 दिन होते हैं और लीप ईयर मतलब हर चौथे साल के बाद जो है 366 दिन होते हैं। इन दिस कैलेंडर द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज चैत्र, और पहला जो महीना होता है उसको क्या कहते हैं, चैत्र कहते हैं। यू नो डैट 100 ईयर्स मेक अ सेंचुरी, एक सेंचुरी हम किसको कहते हैं, 100 ईयर्स को कहते हैं। बट डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट अ सेंचुरी, वेल इफ यू ऐड 1 टू द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर यू विल गेट द सेंचुरी। मतलब कि आप कोई भी साल चल रहा है उसमें आप नंबर 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेंचुरी का नाम पता चल जाएगा। जैसा कि अगर आप 1998 में पैदा हुआ हैं तो 19 जो है उसमें जो है आप 1 ऐड कर दीजिएगा। मतलब कि आप 1998 में पैदा हुए, मतलब आप कौन सी सेंचुरी में पैदा हुए हैं, 20th सेंचुरी में पैदा हुए हैं। ठीक है, अब और जो अभी बॉर्न हुआ है, जैसे 2000 के बाद जो बॉर्न हुआ तो वो क्या करेगा, 20 में 1 को ऐड कर देगा, मतलब कि वो 21st सेंचुरी में पैदा हुआ। ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 विच इज़ ऑल्सो द 20th सेंचुरी। और इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिला है वो कब मिला, 1947 में, मतलब वो भी 20th सेंचुरी था। ठीक है, इसके बाद अरेंजिंग ईयर्स ऑन अ टाइम लाइन। अब टाइम लाइन क्या होता है और उसको अरेंज कैसे करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट ऑन अ लाइन टू शो द टाइम एंड ऑर्डर इन विच दिस इवेंट्स ऑकर्ड इज कॉल्ड अ टाइम लाइन। एक किसी भी इवेंट या बहुत सारे इवेंट को जो है अगर एक आप लाइन में शो करना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आप ऑर्डर में लगाएंगे और इसी को हम टाइम लाइन कहते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प इन स्टडीज इवेंट इन हिस्ट्री इवेंट्स इन हिस्ट्री बेटर। और हिस्ट्री को पढ़ने में ये जो मेथड है ये प्रोसेस बहुत ही यूजफुल होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द नंबरिंग ऑफ ईयर इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस तरह से नंबरिंग होती है ये हम देखते हैं। द लेटर ए डी वेर रिटन बिफोर द ईयर दैट रिप्रेजेंटेड द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ए डी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी इन रेफरेंसेस टू जीसस क्राइस्ट। दीज डेज हाउएवर द टर्म ए डी हैज़ बीन रिप्लेस विद सी ई, इट स्टैंड फॉर कॉमन एरा। क्या है कि ए डी जो है साल के साथ लिखा जाता था, तो ये क्या बताता था कि मतलब कि ए डी मतलब के जीसस क्राइस्ट से रिलेट होता था इसको, और ए डी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये बर्थ जो था जीसस क्राइस्ट का तो उसके बाद का जो टाइम है उसको हम क्या कहते थे, ए डी कहते थे, एनो डोमिनी। ठीक है, लेकिन अब ए डी को चेंज करके क्या बना दिया गया है, सी ई बना दिया गया। सी ई का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन एरा।
ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, मतलब यहाँ से एडी जो है वो शुरू हुआ, 0 AD शुरू हुआ। इसके बाद से जितना हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम अभी यहाँ पर हैं, तो जो है हम कौन से में हैं, 2021 AD। लेकिन अब AD हटाकर हम क्या नया जो नाम यूज़ करते हैं वो क्या है, CE, जिसको हम कॉमन एरा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं BC या BCE क्या होता है। द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वेयर रिप्रेजेंटेड बाई राइटिंग द लेटर BC आफ्टर द नंबर्स। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, हाउ एवर जस्ट लाइक AD दिस टर्मोलॉजी टू हैज़ बीन नाउ चेंज टू BCE विच स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट से के बर्थ से जो पहले का टाइम है उसको क्या कहते हैं, BC कहते थे, जिसका नाम, जिसका मतलब था बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अब जैसा कि AD चेंज हो गया है, तो अब उसको BC को हटा के हमने क्या बना दिया, BCE, इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा से पहले का टाइम। ठीक है, इन केस ऑफ द ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और द टाइम बिफोर द कॉमन एरा, द काउंटिंग इज डन बैकवर्ड फ्रॉम ईयर वन, और BC का जो टाइम है वो बैकवर्ड में जाता है। ठीक है, और AD का जो है वो फॉरवर्ड में जाता है। जैसा कि 1 से हम शुरू कर देंगे BCE, तो वो बैकवर्ड में चला जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 300 BCE केम बिफोर द ईयर 200 BCE, बट 500 CE केम बिफोर द ईयर 800 CE। जैसा कि 300 जो है वो किससे पहले आएगा, 200 से पहले आएगा। जब 1 से हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 200 पहले आएगा, उसके बाद 300 आएगा, है ना। तो मतलब कि 200 से पहले का टाइम है 300, 200 के बाद का टाइम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब हम CE को पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि अगर हम 500 और 800 को देखते हैं, तो क्या है, 500 जो है जैसा नॉर्मल हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, तो 5 हमेशा 8 से पहले आता है, तो 500 CE जो है 800 CE से पहले आएगा। लेकिन जब बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 जो है क्या आता है, बैकवर्ड काउंटिंग में 2 पहले आएगा और 3 जो है उसके, सॉरी, 2 बाद में आएगा और 3 जो है उससे पहले आएगा। ठीक है, दिस सिस्टम हेल्प अस इन नंबरिंग ईयर्स एंड स्टडिंग हिस्ट्री बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और कॉमन एरा। और यही सिस्टम जो है हम हिस्ट्री में यूज़ करते हैं नंबरों को याद रखने के लिए। तो आज के लिए मैं इतना ही जो है यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको और आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैं सब्सक्राइब करिएगा।